अभी तक हम लोगों ने नैतिक तत्वों के अंतर्गत दो महत्वपूर्ण घटकों के बारे में अध्ययन किया है, सत्यनिष्ठा और उत्तरदायित्व। एक तीसरा घटक भी है जिसे हम कहते हैं पारदर्शिता। वैसे पारदर्शिता का ये जो टॉपिक है ये लोक प्रशासन में काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि लोक सेवकों को पारदर्शी तरीके से काम करना आवश्यक होता है। लगभग पूरे विश्व में लोक सेवाओं में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए अलग अलग तरीके से उपाय किए जाते हैं। यहां पर जब हम नैतिक तत्वों के अंतर्गत पारदर्शिता की बात करते हैं तो एक स्वाभाविक सी बात है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली पारदर्शिता और नैतिक तत्वों के अंतर्गत पढ़ी जाने वाली पारदर्शिता में क्या कोई मूलभूत अंतर है? वैसे तो कोई अंतर नहीं है। पारदर्शिता तो लोक सेवा की आत्मा है, क्योंकि अगर लोक सेवा पारदर्शी तरीके से काम करता है तो इससे जनता का विश्वास लोक सेवाओं पर बढ़ जाता है, और जो लोक सेवक पारदर्शी तरीके से काम करते हैं उनका जनता में सम्मान भी बढ़ता है और लोक सेवा के प्रति जनता का विश्वास भी बढ़ता है। अब सवाल ये उठता है कि मोरल एलिमेंट के अंतर्गत जो पारदर्शिता की विचारधारा को रखा गया है उसका लोक प्रशासन में पारदर्शिता से क्या अंतर है? पारदर्शिता को बढ़ाने के बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे RTI एक्ट है, जैसे सूचना तकनीक राइट टू इंफॉर्मेशन के अलावा सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग है। इसके अलावा मीडिया के द्वारा जो बहुत से तरीके अपनाए जाते हैं पारदर्शिता के वो है, लोक सेवा गारंटी कानून है, ये सब पारदर्शिता को बढ़ाने के किए जाने वाले उपायों के अंतर्गत आते हैं। लेकिन मोरल एलिमेंट में पारदर्शिता का होना यह प्रमाणित करता है कि अगर लोक सेवकों के अंदर पारदर्शिता का गुण पहले से ही मौजूद है तो यह बाहरी घटकों का और बाहरी जो आडंबर है उनकी आवश्यकता कम हो जाएगी। इसीलिए जब हम भारतीय लोक प्रशासन में देखेंगे तो इसे मोरल एलिमेंट का एक हिस्सा माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि पारदर्शिता का अर्थ क्या है, पारदर्शिता क्यों, पारदर्शिता की आवश्यकता क्या है, लोक सेवकों के लिए ये क्यों जरूरी है? तो देखिए, अगर कोई भी नीति का निर्माण किया जाता है और नीति निर्माण का काम हमारे यहाँ विधायिका करती है, लेजिस्लेचर करती है, उन नीतियों को क्रियान्वित करने का काम कार्यपालिका करती है, और हमारी जो प्रशासनिक कार्यपालिका है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव है, जिसे हम लोक सेवक भी कह सकते हैं, पब्लिक सर्वेंट भी कह सकते हैं, वो उन नीतियों को क्रियान्वित करती है। अब यहां पर पारदर्शिता की जरूरत है नीति बनाने के लिए, नीति बनाने के दौरान और नीतियों के क्रियान्वयन के दौरान जब कोई लोक सेवक पारदर्शी तरीके से काम करता है तो जनता का विश्वास बढ़ जाता है। कोई आम जनता जब यह जानना चाहे कि यह नीति क्यों बनाई गई, इस नीति का उद्देश्य क्या है, इस नीति को कैसे बनाया गया, फिर इस नीति को क्रियान्वयन कौन करेंगे, इस नीति को क्रियान्वयन करने वाले अधिकारी किस ढंग से उसे क्रियान्वयन करेंगे, इससे लाभ किन किन व्यक्तियों को मिलेगा, यानी कि निर्णय लेने से लेकर नीति निर्माण तक हर एक स्तर पर अगर पारदर्शिता का पालन किया जाए तो इसका लाभ लोक प्रशासन को भी मिलेगा, जनता को भी मिलेगा, और कुल मिलाकर जिस उद्देश्य से इस संविधान हमारे देश के संविधान की रचना की गई है उसका उद्देश्य भी पूरा होगा। ये बात इन बिंदुओं से स्पष्ट हो जाता है। अगर हम पारदर्शिता का उपयोग करते हैं लोक सेवाओं में तो देखिए क्या क्या चीज होता है। प्रशासन की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ जाएगी, जो जनता के प्रति अकाउंटेबिलिटी है प्रशासन की, जब पारदर्शी होकर काम करेंगे तो स्वाभाविक है उसको जवाब भी देंगे कि ये काम हमने इसलिए किया है, ये लाभ हमने इन्हें इसलिए पहुंचाया है, ये योजना या नीति इस कारण बनाई गई है, इन लोगों के लिए बनाई गई है। तो लोगों के मन में अनेक प्रकार के जो भ्रम रहते हैं,
क्योंकि हमारे देश की संरचना कुछ इस तरह की है कि विभिन्न जाति, विभिन्न धर्म, विभिन्न वर्ग, विभिन्न समुदाय, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। तो जब भी कोई नीति या कोई योजना बनती है या उसे क्रियान्वित करता है तो लोगों के मन में एक उसके उस नीति या योजना को लेकर के एक भ्रम पैदा होता है कि इससे मेरा नुकसान तो नहीं होगा, इससे किसको फायदा होगा, ये जानबूझकर किसी विशिष्ट समुदाय के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आप पारदर्शी होकर काम करेंगे तो जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ेगी, जनता की सहभागिता बढ़ेगी। जब पारदर्शी होंगे तो स्वाभाविक है जनता उसमें भागीदारी करेगी, क्योंकि उसको विश्वास रहेगा कि हाँ, ये जो नीति बनाई गई या ये जो निर्णय लिया गया है या ये जो क्रियान्वयन हो रहा है ये जनता के हित में है और ये सही है, इसमें कोई भी भेदभाव नहीं किया गया है। जनता की सहभागिता बढ़ेगी, द पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक विल इंक्रीज, और जनता की सहभागिता बढ़ेगी तो निर्णय की स्वीकार्यता भी बढ़ेगी। ये जो बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, धरने होते हैं, कोई नीति बनी, कोई योजना बनी, कोई कार्यक्रम बनाया गया, लोग विरोध करते हैं कि नहीं नहीं ये हमारे हित में नहीं है, ये इससे हमारा नुकसान होगा। निर्णय की स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए भी पारदर्शिता का होना आवश्यक है। यानी कि कोई भी नीति, कोई भी योजना, कोई भी कार्यक्रम को आप सहजता से क्रियान्वित कर पाएंगे। कब? जब पारदर्शी होकर निर्णय लिए जाएंगे। कब? जब पारदर्शी नीतियां बनाई जाएंगे। और इन सारे लाभों का फायदा अल्टीमेटली किसको मिलेगा? पब्लिक वेलफेयर यानी जन कल्याण का जो लक्ष्य है हमारा, उसे हम आसानी से हासिल कर पाएंगे। इसे और बेहतर ढंग से समझते हैं कि पारदर्शिता के माध्यम से सबसे पहली बात तो लोक सेवकों की जवाबदेही बढ़ी, अकाउंटेबिलिटी बढ़ी। जब अकाउंटेबिलिटी बढ़ी तो पार्टिसिपेशन बढ़ा, सहभागिता बढ़ी। जब पार्टिसिपेशन बढ़ा तो उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी, स्वीकार्यता बढ़ी। जब एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी तो जो नीतियां या जो कार्यक्रम थे उसे बहुत आसानी से क्रियान्वयन किया जा सका। और जब इन नीतियों योजनाओं को आसानी से क्रियान्वयन किया गया तो जन कल्याण हुआ, पब्लिक वेलफेयर हुआ, और कुल मिलाकर के हमारा प्रजातंत्र मजबूत हुआ। Our democracy become more and more stronger. जब हमारा प्रजातंत्र मजबूत हुआ तो स्वाभाविक तौर पर लोक सेवकों की जो व्यवस्था है, लोक प्रशासन का जो हमारा तंत्र है, उसका उद्देश्य पूरा हो गया। इसीलिए पारदर्शिता को एक महत्वपूर्ण नैतिक तत्व के रूप में रखा गया है कि अगर लोक सेवकों के भीतर पारदर्शिता की भावना अगर पहले से ही इनपुट के रूप में डाल दी जाए, उनके प्रशिक्षण के दौरान ही उनमें ये विचार, ये भावनाएं उनके अंदर उत्पन्न हो जाए कि हम जो भी काम करेंगे लोक सेवा में वो पूरे पारदर्शी तरीके से करेंगे, पूरी वस्तुनिष्ठता, पूरे ऑब्जेक्टिविटी के साथ करेंगे, हम जिसके लिए जो भी नीति या योजना होगी जब हम उसे क्रियान्वित करेंगे तो उस क्रियान्वयन में हम कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, तो स्वाभाविक तौर पर जो प्रशासनिक उद्देश्य है उसे पूरा करने में हमें मदद मिलेगी। लेकिन यह एक आदर्शवादी विचारधारा हो जाती है कि प्रत्येक लोक सेवक जिसे लोक सेवा में रखा गया है वो पूरी तरह पारदर्शी होकर काम करे। वास्तविक तौर पर ऐसा व्यवहार में हो नहीं पाता है, तो फिर क्या करेंगे? तो इसके लिए भी कुछ व्यवस्था की गई है। अगर पारदर्शिता नहीं होगी तो जनता में जो है विश्वास जो लोक सेवा के प्रति है वो कम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे ऐसे तंत्र बनाए गए हैं कि पारदर्शिता के आधार पर काम करना ही पड़ेगा। जैसे अगर देखें आप तो हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट है, आरटीआई एक्ट 2005 है ना, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके माध्यम से लोक सेवा के क्षेत्र में, लोक प्रशासन के क्षेत्र में जो भी काम किया गया है, जो भी योजना नीतियां क्रियान्वित की गई है, जो भी व्यय किया गया है, तमाम विभागों की जानकारी जनता के द्वारा ली जा सकती है, पूछी जा सकती है कि ये खर्च कैसे हुआ, ये आमदनी कहाँ से हुई, ये काम किसके द्वारा किया गया, इस कार्य में इतनी देरी क्यों हुई। पारदर्शिता, आरटीआई एक्ट 2005। तो अगर लोक सेवकों के अंदर पहले से ही पारदर्शिता मौजूद है तो इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और अगर पारदर्शिता से वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो स्वाभाविक है मजबूरन आरटीआई एक्ट 2005 के तहत उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आजकल बहुत सारे जो हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बहुत से तरीके हैं जिससे कि बहुत सारी सूचनाएं जो है ऑटोमेटिकली स्वतः ही जनता तक पहुंच जाती हैं।
स्वतः ही जनता तक पहुंच जाती है। जागरूक मीडिया, हमारा जो मीडिया है उस मीडिया के माध्यम से भी हम जो भी काम करते हैं, लोक सेवा जो भी काम करता है वो मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंच जाती है, ये भी एक ट्रांसपेरेंसी के लिए आवश्यक है। सिटीजन चार्टर, ये भी एक महत्वपूर्ण अब कॉन्सेप्ट है। सिटीजन चार्टर यानी जिस भी विभाग में जो भी काम किया जा रहा है तो वो काम कितने दिनों में होगा, किसके द्वारा किया जाएगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उस कार्य के लिए क्या क्या प्रपत्र, क्या क्या फॉर्म्स लगेंगे, ये सब सिटीजन चार्टर के अंतर्गत पहले से ही वर्णित होता है। तो जनता को पता होता है कि ये काम किस प्रकार होगा, किसके द्वारा होगा, कैसे होगा, कितना समय लगेगा, इन सब के माध्यम से ट्रांसपेरेंसी बढ़ जाएगी। लोक सेवा गारंटी कानून, ये भी इसी तरह की एक व्यवस्था है। लोक सेवा गारंटी कानून का मतलब लोक सेवा के प्रति एक निश्चित समय में सेवा प्रदान करने की गारंटी प्रदान करना, और इसके माध्यम से भी हम ट्रांसपेरेंसी को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा लोकपाल और लोकायुक्त जैसी संस्थाएं हमारे पास हैं, राष्ट्रीय स्तर पर लोकपाल और राज्य स्तरों पर लोकायुक्त संस्थाओं का गठन किया गया है, और ये दोनों ही संस्थाएं जनता की शिकायत के साथ साथ भ्रष्टाचार के जो मामले आते हैं, लोक सेवकों के खिलाफ जो मामले आते हैं उनकी जांच भी करते हैं और उनके अगेंस्ट कार्रवाई भी करते हैं, और इसी कारण से पुनः लोक सेवकों को ट्रांसपेरेंट होकर के काम करना पड़ता है। सोशल ऑडिट, ये एक नई अवधारणा है, सामाजिक ऑडिट, सामाजिक अंकेक्षण यानी सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट का मतलब ये होता है कि जो भी सरकार ने नीति बनाई है, योजना बनाया या कार्यक्रम लागू किया, वो सामाजिक तौर पर कितना बेनिफिशियल है। आपने पैसा खर्च कर दिया, आपने जो योजना का पैसा था आपने पूरी ईमानदारी से खर्च किया, तो 1 लाख रुपए किसी योजना के लिए दिए गए, आपने 1 लाख रुपए खर्च कर दिए, आपने 1 रुपए भी उसका बर्बाद नहीं होने दिया, आपने पूरा का पूरा अमाउंट जो है सही दिशा में लगाया, लेकिन उसके बावजूद भी सोशल ऑडिट के माध्यम से ये पता किया जाता है कि वास्तव में 1 लाख रुपए जो व्यय किए गए, जिस अधिकारी के द्वारा व्यय किए गए, क्या इससे बेहतर और अच्छे ढंग से इसे व्यय नहीं किया जा सकता था। अगर इससे 20 लोगों को फायदा हुआ तो क्या इससे 50 लोगों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता था। इससे जो वस्तु खरीदी गई उस खरीदी में ज्यादा व्यय किया गया, क्या उससे और बेहतर चीजें उससे कम अमाउंट में नहीं खरीदा जा सकता था। कहने का मतलब यह हुआ कि सोशल ऑडिट भी लोक सेवकों को पारदर्शी बनाने में मदद करता है। कुल मिलाकर के नैतिक तत्वों के अंतर्गत, नैतिक तत्वों के अंतर्गत पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है, और जब लोक सेवा में कार्य करते हुए एक लोक सेवक जहां एक तरफ सत्यनिष्ठा का अनुसरण करते हैं, दूसरी तरफ उत्तरदायित्व का पालन करते हैं और पारदर्शिता का अनुसरण करते हुए जनता को सेवा प्रदान करते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर प्रजातंत्र मजबूत होगा, और जो लक्ष्य है, जो लोक सेवा का लक्ष्य है, जो सरकार के द्वारा जो नियोजित कार्यक्रम है, उन सबको लागू करने में और जनता तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। इसीलिए नैतिक तत्वों के अंतर्गत पारदर्शिता एक महत्वपूर्ण घटक बन जाता है, और जब इस घटक को लोक सेवकों के अंदर प्रशिक्षण के दौरान, विभिन्न कार्य के दौरान, व्यवहारिक तौर पर उन्हें जब उच्च अधिकारियों के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं उस दौरान, या जो हमारी राजनीतिक कार्यपालिका यानी कि जो हमारे मंत्री हैं, जो हमारे अन्य जो राजनीतिक कार्यपालिका के अंग हैं, जब विजिट करते हैं तो लोक सेवकों को इस पारदर्शिता के लिए भी बोला जाता है, और पारदर्शिता के आधार पर जब काम करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जनता के द्वारा उसका जो जनता में जो विश्वास है लोक सेवकों के प्रति वो बढ़ जाता है, और इससे लोक सेवा की, लोक सेवकों की प्रशंसा भी होती है, और जो कार्यक्रम, जो योजना जो सरकारी तौर पर बनाए जाते हैं, जो सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, वो निश्चित समय में पूरा भी हो जाते हैं। तो पारदर्शिता का होना नैतिक तत्वों के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक है, और इसके होने से नैतिक तत्व प्रभावी होंगे और स्वाभाविक तौर पर वो स्थापित होंगे। ठीक।